नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कर्ज को कैसे उतारें और कर्ज से रिलेटेड कौन से उपाय करें जिससे हम पर कर्ज जल्दी से उतर जाए। जो हमारे ऊपर कर्जा बना हुआ है जो कि बहुत परेशानी देता है, वो कर्जा कैसे हम लोग चुका सकते हैं, क्या उपाय करें जिससे हमारे कर्जे जो हैं धीरे धीरे कम होते हुए चले जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कर्ज एक ऐसा शब्द है जो सुनने में ही बोझ लगता है। कर्ज लेना व्यक्ति के लिए खराब माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की समाज में मान प्रतिष्ठा कम हो सकती है, घर का माहौल बिगड़ सकता है, मानसिक चिंता व तनाव बढ़ सकता है। समाज में कभी कभी लोग हीन भावना से भी देखने लगते हैं, बेकार के झगड़ों व बाधाओं से घिर सकते हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के होते हुए भी कभी कभी व्यक्ति के सामने ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह जानकर भी अनजान होता है। वह कर्ज के सभी अशुभ परिणामों को जानता भी है, समझता भी है, किन्तु खराब स्थिति के चलते जातक को किसी न किसी से कर्ज लेना पड़ ही जाता है। ना चाहते हुए भी वह कर्ज के दलदल में फंस जाता है। मजबूरी एक व्यक्ति से क्या नहीं करा सकती, लेकिन मजबूरी के चलते कभी कभी व्यक्ति कर्ज के दलदल में इतना गहरा फंस जाता है कि फिर भी उसे निकलने का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आता है। हर तरफ बस निराशा व मायूसी ही नजर आती है, दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता है जिस प्रकार चलकर वह कर्ज से मुक्ति पा सके। आज हम आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ आसान व सरल उपाय बताने जा रहे हैं, जिनको करने से आपको कर्ज से धीरे धीरे राहत मिलेगी और एक दिन आप इस समस्या से दूर हो जाएंगे। आप ज्यादा जरूरत होने पर ही कर्ज का सहारा लें, वरना इसको लेने से परहेज करें। यदि पर कर्जा नहीं है तो अपनी आय के अनुसार ही खर्च करें, खर्च में कटौती करें, बेकार के खर्चों से बचें, बिना सोचे समझे मोटी रकम को किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्ट ना करें, सुख सुविधाओं पर जरूरत से ज्यादा धन खर्च ना करें, अपनी आय का कुछ भाग बचत के रूप में जरूर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर आप उस धन का उपयोग कर सकें। मनी सेविंग जरूर करें, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, हनुमान जी या फिर गणेश भगवान की श्रद्धा भाव के साथ पूजा करें, आप चाहें तो दोनों की भी पूजा कर सकते हैं। मंगलवार के दिन पवन पुत्र हनुमान का ध्यान करें, इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, सच्चे मन से करें, ध्यान रखें, कर्ज को निपटाने का दृढ़ संकल्प करें, अपने खर्च में कटौती करें लेकिन कर्ज को निपटाने का प्रयास करें। ईश्वर की पूजा करते समय प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमें कर्ज से मुक्ति दिलाएं जिससे हमारा जीवन फिर से खुशहाल हो सके। निश्चित ही सच्चे मन से की गई प्रार्थना व प्रयास दोनों ही सफल होते हैं। इसके साथ साथ लाल मसूर की दाल का दान करें, एक ये उपाय कर सकते हैं। लाल मसूर की दाल का दान करने से आपको धीरे धीरे कर्ज से राहत मिल सकती है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, बिना प्रयास के इस संसार में कभी किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि मात्र उपाय करने से ही आपके सामने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आपको बेहतर प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। उपायों को करने से रास्ते आसान होते हैं। परेशानियों और कर्ज से बचने के लिए उपाय व प्रयास दोनों को पूरी लगन के साथ करते रहें। अपने ऊपर से कर्ज के बोझ को कम करने का प्रयास करें, धीरे धीरे आपका कर्ज खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जय हनुमान लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, आपका दिन मंगलमय हो।